सो इसी के वजह से हमको ड्राई सॉल्डरिंग वगैरह नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर कैरी होगा। और नॉर्मल आपको कोई भी टेम्परेचर नहीं, लाइक 350 डिग्री सेल्सियस में लाइक काम कर रहे तो हमारा यूनिट में आप नियरली 50 डिग्री सेल्सियस। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी इज्जत की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। जेबीसी कंपनी के आप सीनियर ऑफिसर है क्या? थोड़ा अपना नाम बताइए, अपना बताइए प्लीज। मेरा नाम मणिवर्णन है, आई एम सेल्स मैनेजर ऑफ वेस्ट रीजन। तो इंडिया का एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा है। ओके, आप देखते हैं एमपी पूरा देखते हैं, महाराष्ट्र और गोवा, गुजरात और बाकी अदर कंट्री और लोग देखते हैं। हाँ, बाकी आप अलग पार्ट ऑफ इंडिया अदर देखते हैं। आप क्या क्या देखते हो? सो वी आर डीलिंग विद सॉल्डरिंग एंड रिवर्क इक्विपमेंट फॉर जेबीसी सॉल्डरिंग। थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे इनको प्लीज सर। जेबीसी इज अ ओईएम कंपनी, ओन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। कंपनी स्टार्टेड एट 1929 एट स्पेन। मतलब कहने का मतलब है जेबीसी एक खुद की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हेलो सर, और कहां से, कौन सी कंपनी? स्पेन का कंपनी है, पैसिलोना का। पैसिलोना 1929 में चालू किया था कंपनी। बिल्कुल 90 इयर्स ओल्ड कंपनी है। बिल्कुल इंडिया में चेन्नई में ऑफिस है, ऑफिस 2017 से चालू किया जी। सो उधर से हम 6 साल से हम इंडिया में खुद का काम। कहां पर है? चेन्नई में कुरुमपेट में। ओके, तमिलनाडु। वहां आपका हेडक्वार्टर है? यस। इसमें क्या है, दो कंट्रोलर है, एक 4-port टूल है, हार्डवेयर स्टेशन। ओके, हार्डवेयर स्टेशन देन इसमें हम क्या कर सकते हैं, एट द टाइम 4 टूल कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट 4 सॉल्डरिंग स्टेशन, सॉल्डरिंग आयरन। इफ यू वांट वी कैन कनेक्ट 4 सेपरेट टूल्स लाइक सॉल्डरिंग टूल, ट्वीजर्स, माइक्रो ट्वीजर और माइक्रो हैंडल, देन डिसॉल्डरिंग टूल, एवरीथिंग वी कैन पॉसिबल टू कनेक्ट। ओके, देन दिस इज अ हॉटेस्ट स्टेशन। ये क्या है, फॉर रिमूविंग ऑफ QFE, QFN, सम SMD कॉम्स, वी कैन रिमूव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मशीन। इसमें क्या फीचर है, वी हैव दिस इज वैक्यूम फीचर है, देन थर्मोकपलर है। इफ यू आर वर्किंग विद एनी आईसी, पास में कोई आईसी है वो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर गया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, वो कंपोनेंट में ऊपर हम ये थर्मोकपलर लगा सकते हैं विद हेल्प ऑफ कैप्टन टेप। देन वो पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट, वो लाइक वो 200 डिग्री सेल्सियस वगैरह टेम्परेचर में अचीव किया, वो हम इसको बंद कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, ऐसा एक फीचर है। देन प्रोफाइल वगैरह बना सकते हैं लाइक हमारा आईसी के डेटा सीट के तरफ से। अच्छा, और इसमें एक और फीचर है, IoT फीचर है। देन हमारा सबसे ज़्यादा फीचर है टिप्स है। टिप्स में क्या है, बैलेंस आरा में, बैलेंस आरा में हमारा हीटर एंड टिप सेपरेट रहता है, हमारा टेक्नोलॉजी अलग है। इसमें क्या है, हीटर एंड टिप है ना, एक ही पार्ट में आ जाएगा। सो वो हमको टेम्परेचर इजीली हमारा पार्ट को कैरी करने का काम तरीका करेगा। ओके, सो इसी के वजह से हमको ड्राई सॉल्डरिंग वगैरह नहीं होता है, इसलिए टेम्परेचर कैरी होगा। और नॉर्मल आपको कोई भी टेम्परेचर नहीं, लाइक 350 डिग्री सेल्सियस में लाइक काम कर रहे तो हमारा यूनिट में आप नियरली 50 डिग्री सेल्सियस कम करके काम कर सकते हैं, ये इसका बेस्ट फ्यूचर है। देन इसमें स्लीप और हाइबरनेशन मोड का फीचर है फॉर पावर सेविंग एंड हमारा टिप का लाइफ इंक्रीज करने का ऑप्शन है उसमें, स्लीप मोड में। यस सर, ठीक है। और इसको ऑन करके दिखाएंगे जरा? यस सर। हाँ,
में से ही चिप भी निकाले? यस सर। मैं ब्लैक का स्ट्रेट? यस सर। क्या बोलते हो? यस सर। ब्रांड नोजल देना। तो पहले अपन साइड लू कट करेंगे और एमएमसी को रिमूव करेंगे, है ना? थोड़ा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। तो देखो साइड ब्लू के लिए आप नोजल देख सकते हो यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। और स्कैपर लाना। एयर फ्लो आप 30 कर दो। नहीं नहीं एयर फ्लो। इसका हैंडल किधर है रखने के लिए? ये ऐसा रख दूँ? हाँ यस। मेरे को एक वो देना जरा, ये ठीक है। ये क्या होना? ये वैक्यूम। अच्छा, अपन आईसी को ढीला कर देंगे और इससे उठा लेंगे। हाँ चिपका दें। लास्ट यहाँ पे बचा है ग्लू। यस सर। देखो ग्लू कट करने के लिए मिलन सर की क्लास रहेगी, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, है ना? यस सर। हाँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो टाइम की वाली बात है। यहाँ पर एक्चुअली चलाना था 11 नंबर की ब्लेड पर, चलेगा? ये भी सेफ ही है। बट कट नहीं लगने देना है, कहीं से छिलना नहीं है। अगर कट लगेगा चलेगा तो ट्रैक जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ग्लू कट कर रहे हो तो आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ब्लोअर लगाओ, मतलब बड़ा है वो लगाओ, और 350 पर रखो और 60 पर रखो।
तो पहले एमएमसी उठाएंगे फिर सीपीयू उठाएंगे और उसमें उठाकर देखेंगे सर इसका वो आया है। हाँ तो उससे अपन सीपीयू उठा लेंगे, उससे अपन उठाएंगे नॉन पेस्टेड आईसी एक बार, मेरे को पेस्टेड भी उठाते चलो देखते हैं इसमें इसका पावर उठाते बराबर। हाँ ये सही है, ये नई चीज है, नई चीज़ तो नहीं है मतलब पहली बार तो कर ही रहे हैं फॉर्म ही है नहीं। तो आप देख सकते हो इसका कितना पतला है ना, कितना स्लिम है ये, और सफिशिएंट हीट देने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है। सर वो जो रेड वाला है वो क्या है वो? ये बटन का एक लिए सर वो चालू करने के लिए। अच्छा यहाँ अब चालू हो गया। अच्छा तो मतलब ये यहाँ से भी बंद हो जाएगा क्या? इसमें बंद हो जाएगा, देन इसके साथ एक स्टैंड आएगा, उस स्टैंड में रखने के बाद भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। आ जा इस साइड आ जाओ, अभी इस साइड लाइक दिस, इसमें रखने के बाद वो स्लिप मुड़ जाएगा। हाँ। सो बट ये हैंडल हो आप हैंडल में रखने के बाद वो बंद भी हो। अब देखो एमिट यहाँ पर तो हम क्या करते हैं आपको दिख जाएगा ना दूर से क्या दिक्कत है, 350 करते हैं 360 कर लेते हैं और एयर बढ़ाएंगे, ये एयर हो गया नहीं नहीं अच्छा 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 तो ये एयर बढ़ाएंगे 60 कर लेते डन। आप चालू करेंगे तो ये दबाना है। यस सर। तो पहले थोड़ा सा लाने दो उसको है ना। यस सर। इस साइड आ जाओ तो पहले इसको थोड़ा सा ले आते हैं ठीक है। ज़्यादा लग रही है। 330 कर दो। पोर्ट फुल जाएगा सर। ये स्पाइरल नहीं है, डायरेक्ट है, ब्लू डायरेक्ट है, शूटर है, शूटर में 350 इसको कर दो, 50 कर दो, स्पाइरल यूज कर लो, स्पाइरल नहीं आता इसके अंदर जी, नोजल स्पाइरल शूटर है यार ये मरवाओगे। ये जो 50 पे साइड 50 पे 350 350 350 हां यस सर। इस पैरल और अभी शूटर बोले उसमें हां बताएंगे उसको सब अभी जानना है इनको बताएंगे अभी बता दो मौत आ जाएगी नहीं तो धरती खत्म होने वाली है। हैंडल कैसा लग रहा है? हैंडल तो काफी स्मूथ है मतलब है ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है, अलग बल्कि लग रहा है। ए भाई मैं डूब जाएगा। एनसी तो उठ गई बड़े बढ़िया तरीके से और पैड भी हमारे कोई गए नहीं है समझ रहे हो, एनसी पैड भी हमारे पूरे नहीं तो जनरली इसमें एनसी तो जाते ही जाते हैं। अब हम सीपीयू उठाए क्या है अभी वो आप उठने के बाद आप फ्रीजर से देख लेते हैं तो सीपीयू को थोड़ा सा हल्का कर लो ढीला करके बोले अपनी बाहर आ जाए उसके बाद ही उठा लेते हैं। कैपेसिटर को अपन ट्यूजर से लगाएंगे रिंग दूसरे से। अच्छा ट्यूजर से लगाएंगे। ट्यूजर से लगाएंगे। ठीक है ये ढीला हो गया भाई थोड़ा चावा तब से ढीला कर जाते ये इसको पंचर करना बोलते हैं है ना ताकि एयर बाहर निकल जाए इसमें फूलने का कंडीशन थोड़ा कम रहता है। दो भाई अच्छा इसको दबाना है यहाँ दबाने का तो हो जाएगा इसको बंद कर चाहो ओके ओके
है ना, अभी रिलीज हो गया, अभी साथ नहीं कर रहा ना। अपन इसको नॉन पेस्टेड पर उठाते हैं साइड, क्योंकि पेस्टेड में तो कोई सीन नहीं है, अनरिविलेंट लग रहा है मेरे को। थोड़ा नॉन पेस्टेड में उठा लेते हैं, पावर उठा लेते हैं ना, क्या देखते हैं इसको उठा लेते हैं साइड। सीपीयू उठाने की ऐसा नहीं, क्या बॉले बाहर आ जाती, क्या आ जाती है बॉले बाहर। ब्लैक पेस्टेड म्यूजिक लगा रहा था सर, क्या बोलूं। तो हमारा सीपीयू भी बहुत सही तरीके से उठ गया है, कोई पैड मिस नहीं है हमारा, दिखाई दे रहा है आपको। yes, sir, sir. तो इनके एसएमडी का जो ब्लोड है उसके हिसाब से तो अच्छी बढ़ गई है एसएमडी के लिए। तो आप एक बार इनकी सकिंग भी देख लेते हैं, सक वाला है ना, कि वो सक हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए अपन ये वाला आईसी उठाते हैं, ये आईसी आपका है, इसका वाईफाई आईसी है ना, 66। इस आईसी को उठाए क्या? यस सर। तो इसको अपन खाली सक से उठाए, थोड़ा सा ब्लोड के हीट के सीपीयू उठाते, सीपीयू मैं अभी इसको तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ये उठ जाएगी, उठ जाएगी ना, उठ पक्का करके देखते ना, पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने पास नई चीज़ें देख रहे हैं ना क्या रिजल्ट है, डेमोस्ट्रेशन। अच्छा अभी हाँ, ये उसके लिए एक्चुअल क्या है, बड़ी बड़ी उनके लिए है। इसका ग्लू भी कट कर लें क्या? नहीं ग्लू कट कर, पर ये कर लेते ना क्या, ये काम कर लेते ना। अच्छा ये टूल्स इनके चेक कर लेते फिर करा। तो अपन ये आईसी उठा रहे हैं, देखो सब लोग, पावर आईसी MT63 CRV। ऐसे आ गई उठ के हाथ में। तो ये कर लिया, एक बार ग्लू भी कट कर लेते हैं यार, पता चल जाएगा ग्लू का क्या सीन है। ग्लू सर ना, एक ये टेस्ट करना है सर, वो आईसी वापस निकालो ना, ये सेक्शन इनका ये डिसोल्डर है। हाँ ये मशीन है, वो जो अभी आईसी उठाई थी उसको चेक करो। आईसी उठाई थी, दिस इज फॉर थ्रू कॉमन सप्लाई, कोई भी पिन कॉमन आता है ना वो निकालने के। अच्छा कर लेगा क्या? थोड़ा क्लियर करना है आपसे, गीला करें ना पहले। हाँ पहले राख लगा इसमें। हाँ यस सर। हाँ ओके, अभी आप ट्राई करते हैं। आपको टच करके वैसे एक्चुअल क्या है हमारा एसएमडी का है ना, ये देखो ये वाला देखो, फौजा मणि एक्चुअल क्या है हमारा एसएमडी का है, ये देखो ये वाला देखो, फौजा मणि ये देखो है ना, ये सक कर रहा है। नेक्स्ट कुछ है ट्वीज़र देखा। तो ये बहुत इसके वीडियो देखे थे यार, पहली बार चला रहे हैं। ये SMD ट्वीज़र है, SMD कंपोनेंट को निकालने और लगाने की। तो एशिया टेलीकॉम देश में
एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता, और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए, और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है? तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी।